सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और हमारी रेगुलर वीडियोस के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। नमस्कार दोस्तों, अ डिजिटल ब्लॉगर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट की उन 10 या 12 बुक्स की जो बिगिनर्स के लिए जरूरी हैं और काफी फायदेमंद भी साबित हो सकती हैं। इन बुक्स के साथ उनका बेसिक और फंडामेंटल स्ट्रांग हो सकता है, उसके अलावा उनको ट्रेडिंग के बारे में, निवेश के बारे में जो लर्निंग की हैबिट है वो बन सकती है, और फाइनली जब उनको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, वो एक बेसिक से अच्छे लेवल पे पहुंच जाते हैं, तब वो इन कॉन्सेप्ट्स को बुक में से समझ के स्टॉक मार्केट में अप्लाई कर सकते हैं और फाइनली अपने लिए प्रॉफिट भी बना सकते हैं। तो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का। ये बेंजामिन ग्राहम नामक ऑथर ने लिखी है सन 2013 में। ये बुक बताती है आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल सेफ्टी के बारे में, और अगर आप लॉन्ग टर्म लेवल पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अच्छी खासी स्ट्रेटेजीज भी प्रोवाइड करती है। ये आपको ये भी बताती है कि कौन सी बड़ी मिस्टेक्स हैं जिसको आपको अवॉइड करना चाहिए, जो शुरुआत तो छोटे लेवल पर करती हैं लेकिन एक्चुअली वो एंड अप करती हैं बड़े मिस्टेक्स, बड़ी गलतियों के रूप में। और फाइनली आपको कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स भी दिए गए हैं ताकि आप उन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ सकें और अप्लाई करने की अंडरस्टैंडिंग भी ले सकें। इस बुक के अलावा अगला नाम है हाउ टू मेक मनी ट्रेडिंग विद कैंडलस्टिक चार्ट्स। ये लिखी है मिस्टर बालाकृष्ण एम सादेकर ने सन 2011 में। ये बुक आपको स्पेसिफिकली कैंडलस्टिक चार्ट, जो कि जैपनीज स्ट्रेटेजी है, कॉन्सेप्ट है, उन्होंने काफी दशकों से इसका यूसेज करके बहुत सा प्रॉफिट बनाया है स्टॉक मार्केट से, तो उस लेवल पे आपको सिखाती है कि कैसे इसका इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे सिग्नल्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए और फिर उनको अपने टेक्निकल एनालिसिस के साथ कैसे जोड़ना चाहिए। आपको मार्केट के टेस्टेड आइडियाज भी दिए गए हैं और कुछ डूज एंड डोंट्स, जो चीजें आपको करनी चाहिए और जो चीजें आपको अवॉइड करनी चाहिए अपनी रेगुलर ट्रेडिंग में, उनके बारे में भी बताया गया है। तीसरा नाम इस लिस्ट में है हाउ टू इनफैक्ट एवरीथिंग यू वांटेड टू नो अबाउट स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग। ये सीएनबीसी टीवी 18 ने ऑर्डर की है सन 2013 में। बेसिक्स के बारे में बताती है ये बुक स्टॉक मार्केट के, और आपको आइडिया बताती है कि मार्केट कैसे वर्क करती है, इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स का जो माइंडसेट होता है, थॉट प्रोसेस होता है, वो कैसे चलता है। फिर आपको ये स्टॉक मार्केट के जो स्कैम्स हैं उसके बारे में बताती है कि उनको अवॉइड कैसे किया जाए, और फाइनली आपको कुछ इन्वेस्टिंग के टूल्स और डेटा और कॉन्सेप्ट्स को समझने के बारे में भी अंडरस्टैंडिंग देती है। इसके अलावा बुक है दी विनिंग इन्वेस्टमेंट हैबिट्स ऑफ वॉरेन बफे एंड जॉर्ज सोरोस। ये बड़े नाम है इन्वेस्टिंग की दुनिया में। सन 2006 में ये बुक लिखी गई थी मार्क डियर के द्वारा। अब ये बुक आपको बताती है कि जो दो बड़े नाम है ये इन्वेस्टिंग में कैसे अपना माइंडसेट लगाते हैं, पैसा डालने से पहले क्या स्टॉक के बारे में देखते हैं, रिसर्च रिपोर्ट पढ़ते हैं, क्या ऐसा करते हैं तो फाइनली कौन से डेटा पॉइंट्स, कौन से एरियाज पे सबसे ज्यादा पैनी नजर रखते हैं, और अपनी स्टॉक और अपने कंपनी को एनालाइज करने से पहले किन किन एरियाज में दिमाग लगाते हैं, तो उस हिसाब से आप इनके जो हैबिट्स हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं इस बुक के द्वारा। अगला नाम है इस लिस्ट में हाउ टू अवॉइड लॉस एंड अर्न कंसिस्टेंटली इन द स्टॉक मार्केट। ये प्रसन्नजीत पॉल ने बुक लिखी है सन 2015 में। ये आपको बताती है कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज को कैसे पकड़ा जाए, कैसे उनमें निवेश किया जाए, कब बाय कब सेल किया जाए, और जो पोटेंशियल लॉस होते हैं आपके पोर्टफोलियो में उनको अवॉइड कैसा किया जाए, आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो को सेटअप कैसे किया जाए ताकि आप लॉन्ग टर्म लेवल पे और शॉर्ट टर्म लेवल पे भी प्रॉफिट बना पाए, तो अलग अलग लेवल्स पे ये आपको बताती है, उस हिसाब से आप अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। अगला नाम है इस लिस्ट में हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स। ये लिखी है विलियम जे ओ नील ने सन 2009 में। ये एक बेस्ट सेलर बुक है, 2,20,000 से ज्यादा कॉपीज इसकी बिक चुकी हैं। ये बुक आपको एक स्पेसिफिक मेथड, कैन स्लिम मेथड के बारे में बताती है, जो कि आपके इन्वेस्टिंग के प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने के 7 इजी स्टेप्स बताता है। अब हालांकि आपको डिटेल में अंडरस्टैंडिंग लेनी होगी कि ये 7 स्टेप्स हैं क्या, उसको एक्चुअली में अप्लाई करना होगा देखने के लिए कि आपके लिए वो काम करते हैं या नहीं। उसके अलावा यह बुक आपको लॉसेस को, नुकसानों को कम करने और फायदों को बढ़ाने के बारे में भी गाइड करती है। सिर्फ स्टॉक मार्केट ही नहीं, म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ्स में कैसे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए उसके बारे में भी ये बुक रोशनी डालती है। अगला नाम इस लिस्ट में है हाउ टू मेक मनी ट्रेडिंग डेरिवेटिव्स। अब ये इंडियन ऑथर अश्विनी गुजराल, सन 2008 में बुक लिखी गई है, और ये बुक स्पेसिफिकली एम करती है कि जो ट्रेडर होता है उसकी साइकोलॉजी कैसी होती है, किस तरह से वो चार्टिंग और एंट्री टेक्निक्स पैसा बनाने के लिए देखता है, उसके अलावा आप टेक्निकल इंडिकेटर्स का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं पैसा बनाने
के लिए। उसके अलावा फाइनली आपको कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स भी दिए गए हैं इस बुक में, ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें कि जो आपका फालतू पैसा पड़ा है, आइडल मनी है, उसका बेस्ट यूसेज क्या किया जा सकता है। फाइनली एक्सपर्ट्स और एडवांस यूजर्स के लिए आपको फ्यूचर ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज बताई जाती हैं, जिसमें आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, डे ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग के बारे में भी कॉन्सेप्ट की जानकारी ले सकते हैं। अगला नाम इस लिस्ट में है स्टॉक टू रिचेस, जिसको लिखा है पराग पारिक ने। अब इस बुक को लिखा 2005 में गया है और ये बताती है कि जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं ज्यादातर वो वर्क क्यों करती हैं और सभी इन्वेस्टर्स क्यों वर्क आउट नहीं कर पाते। जो भी एक इन्वेस्टर एक्सपीरियंस लेवल पे पहुंच जाता है उसकी साइकोलॉजी क्या रहती है, स्टॉक मार्केट में बबल क्यों होता है, कैसे बर्स्ट होता है और सही समय क्या है अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बचाने के लिए ऐसे बबल से। तो अपने एक्सपीरियंस से सीखे गए एरियाज में ये बुक आपको अलग अलग हाइलाइट्स देती है, ताकि आप डिटेल में अंडरस्टैंडिंग ले सकें। फाइनली इस इंग्लिश बुक्स की लिस्ट में नाम है बुल्स बियर्स एंड अदर बीस्ट का। अब ये एक कन्वेंशनल स्टॉक मार्केट बुक नहीं है, ये ओवरऑल स्टॉक मार्केट की अंडरस्टैंडिंग देती है, लेकिन एक कहानी के रूप में, स्टोरी टेलिंग के रूप में। अब ये बुक आपको बताती है कि इंडियन स्टॉक मार्केट की कहानी क्या रही है सन 1988 से लेके, आपको अलग अलग रियलिटीज बताती है ट्रेडिंग की, जो कि आपको जेनरिक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स के साथ समझ नहीं आएंगे। यह बिगिनर्स के लिए बहुत ही अच्छी बुक मानी जा सकती है, क्योंकि आपको बहुत ही बेसिक से सिखाती है और बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में। तो ये थे 10 बुक्स इंग्लिश भाषा में। 2 बुक्स हिंदी में भी आपके लिए रेकमेंडेड हैं, जिसमें पहला नाम है कैसे स्टॉक मार्केट में निवेश करें, इसको TV18 ब्रॉडकास्ट लिमिटेड ने लिखा है सन 2015 में। अभी बुक आपको बेसिक्स और फंडामेंटल स्टॉक मार्केट के बारे में बताती है, उसके अलावा आपको पैसा को निवेश कैसे करना है, निवेश करने के बाद अपने स्टॉक्स को मॉनिटर कैसे करना है और किस समय आपको पुल आउट करना है उस पर्टिकुलर स्टॉक से, उसके बारे में भी ज्ञान देती है। उसके अलावा आपको इन डेप्थ टिप्स बताए जाते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, ताकि आप अच्छे से रिटर्न बना सके। और फाइनली एक स्टॉक में पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स कैसे देखे जा सकते हैं, और अगर आप उस पर्टिकुलर एनालिसिस के बाद स्टॉक का अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं, तो फाइनली क्या आपको स्टॉक में निवेश करना चाहिए या नहीं, इसके बारे में भी बताती है। लास्ट बुक है इस लिस्ट में, जिसका नाम है इंट्राडे ट्रेडिंग की पहचान। ये अंकित गाला और जितेंद्र गाला दोनों ने लिखी है सन 2009 में। ये बुक बताती है आपको कि शॉर्ट टर्म क्विक प्रॉफिट्स कैसे बनाए जाए। जैसे बुक का नाम है इंट्राडे ट्रेडिंग, तो आपको रेगुलर लेवल पे शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स के बारे में बताया जाता है, डिफरेंट तरह के चार्ट्स, टेक्निकल इंडिकेटर्स, परफॉर्मेंस एनालिसिस कैसे किया जाए, ताकि आप इंट्राडे ट्रेडिंग में अच्छे से पैसा बना पाए। और फाइनली कुछ गलतियां हैं जिसको आप अवॉइड कर सकते हैं, ताकि आप क्विक ट्रेड्स कर सकें रेगुलर बेसिस में। तो ये थे कुछ बुक्स अलग अलग लेवल पे। ऑब्वियसली ये कंप्लीट लिस्ट नहीं है, ये हमारी रिसर्च के बाद बाहर आई है। जो भी एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने ये बुक्स अपने बिगनर लेवल पे पढ़ी थी, उनकी अंडरस्टैंडिंग के बेस पे बाहर आई है। तो अब आपको देखना है कि आप कौन से फेज में हैं, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, और उस हिसाब से आप किसी पर्टिकुलर बुक का चुनाव कर सकते हैं। इस बुक के और इनफैक्ट इस पूरे आर्टिकल के बारे में डिटेल में अगर जानकारी चाहते हैं, तो आप adigitalblogger.com पे जा सकते हैं। तो ये है adigitalblogger.com का वो लिंक, जिसपे आप डिटेल में अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं इन बुक्स के बारे में, उनकी समरी के साथ, जिससे आपको आइडिया हो सके कि ये बुक का एक्चुअल ऑब्जेक्टिव क्या है। फिर आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से किसी भी बुक का यूसेज कर सकते हैं। अगर आप किसी बुक को खरीदना चाहें, तो आप इस पर्टिकुलर लिंक पे ही क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो आप अमेजोन के इस पेज पे पहुंच जाएंगे। इस पेज पे पहुंचते ही आप बाय का ऑर्डर दे सकते हैं। जैसे ही आप ऑर्डर देंगे, उसमें से कुछ कमीशन हमें प्रोवाइड किया जाएगा अमेजोन के थ्रू। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं, तो विल रियली अप्रिशिएट दैट। वहीं अगर आप अपने लिए एक खाता खोलना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में, या हमारी मदद चाहते हैं एक अच्छा स्टॉक ब्रोकर के साथ आपको कनेक्ट करने में, तो आप हमारी वेबसाइट के लिंक adigitalblogger.com/free-callback-broker-choice पे जा सकते हैं, अपने डिटेल्स प्रोवाइड कर सकते हैं और हम आपके लिए एक कॉल बैक सेटअप करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ऐसा है, तो इसको लाइक जरूर कीजिए, डेफिनेटली अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कीजिए। आप हमारे चैनल डिजिटल ब्लॉगर को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ऐसे ही वीडियोस फ्यूचर में और देखने के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय।